एयर इंडिया ने लोडर की नौकरी के लिए कई पदों में भर्ती निकाली थी। इन भर्तियों के लिए हजारों लोग पहुंच गए, जिसके बाद भगदड़ मच गई। दरअसल कल मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया में भर्ती अभियान के दौरान 600 पदों के लिए 25,000 से ज्यादा आवेदक पहुंच गए। इतनी भीड़ को संभालने के लिए एयर इंडिया के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अग्निवीर और बिना ब्याज के लोन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी योजना है। इससे स्किल्ड युवा तैयार होता है। इसमें युवाओं की 4 सालों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उनके लिए पुलिस और फॉरेस्ट आदि की सीधी भर्ती करने का प्रावधान किया है। इसके लिए 10% आरक्षण मिलेगा। इन युवाओं को ग्रुप सी और डी में 3 साल आयु सीमा की छूट मिलेगी। पहले बैच के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। अगर कोई निजी कंपनी किसी अग्निवीर को 30,000 रुपए वेतन देती है तो सरकार उस कंपनी को 60,000 वार्षिक सब्सिडी देगी। अग्निवीरों को आर्म्स लाइसेंस भी दिया जाएगा। साथ ही अग्निवीर के अपना काम शुरू करने पर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज कर्ज दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था 2 महीने में योगी जी हटाए जाएंगे। इस बात का खंडन ना तो मोदी ने किया है और ना ही अमित शाह ने और ना ही पार्टी ने। अब योगी आदित्यनाथ को हटाने की योजना पर काम तेज हो गया है। अगर ये सच नहीं है तो मोदी जी इस बात का खंडन करें। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की जीडी मॉल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति को इसलिए मॉल में प्रवेश करने से रोका गया क्योंकि उसने भारत का परंपरागत लिबास धोती पहना था। इस घटना के कुछ ही देर बाद इसका वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये बात 17 जुलाई शाम 6 बजे की है। दरअसल बाप और बेटा फिल्म देखने के लिए टिकट बुक किया था, लेकिन जब वे जीटी मॉल पहुंचे तो गेट पर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर आने से मना कर दिया। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब चांदीपुरा में 27 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं और 14 की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा मामले साबरकांठा में और अरावली में सामने आए हैं। यहां 4-4 मामले सामने आए हैं। 27 में से 24 मामले गुजरात के हैं, जबकि 3 मामले दूसरे राज्यों से गुजरात आए हैं। आपको बता दें कि राज्य के 12 जिलों में संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।